बढ़ुथिबा कोरोना संक्रमण को नहीं भय लगुच कि एही पांचटी खाद्य खातु तुरंत बढ़िब इम्युनिटी पावर कोरोनार भय पुणि थे बढ़ाक लगला एभली अवस्था सावधान रहा निहाती आवश्यक जदि आपण शरीर इम्युनिटी पावर को बुस्ट करेंगे तेज आपण यह भाइराल डिजिज ठार बर्ती पारे सारा दुनिया में कोरोना भाइरस पुणि थे बढ़वे लगी भारत में कोविड 19 मामला बारंबार बढ़िवार लगी एभली परिस्थिति रे आमको पुणि थरे सतर्क रहिबाकु हेबो सर्वप्रथमे मास्क पिंधिबा आरंभ करि दियंतु ओ हातकु बारंबार साबुन रे धोंतु अधिकांश लोक कोरोना भाइरस रो टीका नैथिले मध्ये भाइरल इन्फेक्शन रो भय किंतु अछि एथिपई जरूरी अटे कि आमे आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइबा आसंतु जानिबा कि कोन सब खाद्य अछि जहाकु खाइबा द्वारा इम्युनिटी पावर बूस्ट होइथाय हळदी हळदीर सेवन भारत प्रत्येक घरे होइथाय एथरे अनेक औषधीय और आयुर्वेदिक गुण थाए जेउ लोक नियमित भाबरे हळदीर सेवन करिथांती सेमानंक शरीर रे इम्युनिटी रेस्पोंस बढ़िथाय ब्रोकली सबुज पनीपरिबा मध्यरु ब्रोकली को अनेक लाभदायक कहा जाइथाय ब्रोकली रोग सह लड़िबारे साहाज्य करे एथरे सल्फेरफिन नामक एंटीऑक्सीडेंट अछि जहाँ आम इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करिथाय पालंग पालंग एक पुष्टिकर खाद्य अटे एथिरे अनेक प्रकार आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट अछि जहाँ आमको भाइराल रोग ठारु लड़िबारे साहाज्य करिथाय एहार जूस मध्य स्वास्थ्य पई अनेक लाभदायक अटे ग्रीन टी को हेल्दी कहा जाए कारण एथिरे कैफिन रो मात्रा बहु कम थाए और न्यूट्रिएंट्स रो मात्रा भरपूर थाए जदि आपण शरीर रे इम्युनिटी बूस्ट करने को चाहते तेरे दिन को 2 कप ग्रीन टी पीवा आवश्यक सूर्यमुखी मंजी सूर्यमुखी मंजी तेल बाहर कर रंधा कार्य व्यवहार करें सहित आपण यह सालाड्रे मिसाई और चोपा काढ़ी खाईपारती विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई थाए ब्यूरो रिपोर्ट डुमानी टीवी।